हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूअर मेक ट्यूटर में। आज हम नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड है। अगर आप गेट एग्ज़ाम लेते हो या आईएएस एग्ज़ाम लेते हो या इसरो या फिर कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, तो डेफिनेटली आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये एक सब्जेक्ट वहाँ पर रहता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर हम देखते हैं तो लीनियर अलजेब्रा आता है जो कि मैट्राइसेस के रिलेटेड है, फिर कैलकुलस है जहाँ पे आपको लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इस पे क्वेश्चन रहते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये भी एक उसमें टॉपिक रहता है, देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स है एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। तो वैसे 6 to 7 टॉपिक्स जनरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा जो कि मैट्रिसेस रिलेटेड है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी ईयर की गेट या आईएएस की क्वेश्चन पेपर ले लो, आपको डेफिनेटली मैट्रिसेस पे क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मैट्रिसेस होता क्या है, उसकी ऑर्डर कैसे होती है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन से हैं। तो एक काफ़ी अच्छा कोर्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। सो मेरी शब्द आप सभी का वापस एक बार YMT यूअर मेक ट्यूटर में स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर उसे सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनामिक्स इसकी कोर्सेस स्टार्ट करती है, जो कि कोई भी अगर मैकेनिकल एग्जाम है डेफिनेटली आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोर्स ऑन मैट्रिसेस। सो फर्स्ट इज व्हाट इज मैट्रिक्स। ओके, सो अ मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, जो भी मैट्रिसेस है दीज आर ऑलवेज डिनोटेड बाय व्हाट कैपिटल है। जो भी मैट्रिक्स है उसको कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज 2, 5, -4, 7, -3, 6, कोई भी रैंडमली नंबर है, अगर आप इन नंबर्स को रोज और कॉलम्स में लिखते हो और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट अगर वहाँ पे दे देते हो, ओके, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। सो बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। नाउ दीज हॉरिजेंटल रोज, जो कि हॉरिजेंटल रोज है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स है इन्हें हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन्स है इन्हें हम कहेंगे कॉलम्स। तो अगर अगर हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं तो कितनी रोज है यहाँ पे? 2 रोज, और कितने कॉलम्स है यहाँ पे? 3 कॉलम है। ओके, तो एक नई टर्म है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी पूछता है कि इसकी ऑर्डर क्या है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इट इज़ व्हाट? इट इज़ रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो अगर हमें ए मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखनी है तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 3। तो दिस रोज कैन बी इक्वल टू कॉलम। ओके, सो ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी 4 by 4, इट कैन बी 2 by 2, इट कैन बी 10 by 10, इट कैन बी 15 by let's say 25। सो हमें हमेशा याद रखना है जो ऑर्डर है, जो फर्स्ट नंबर रहेगा इट इज नंबर ऑफ रोज, और जो सेकेंड नंबर है इट इज नंबर ऑफ कॉलम। अभी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन का है कि क्यों हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो देखो, बहुत जनों को इसके एप्लीकेशन ही पता नहीं होगी। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इट इज़ रिलेटेड टू ग्राफिक सॉफ्टवेयर। आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर तो पता ही होगा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपको पता ही होगा। जो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग की हुई रहती है, दैट प्रोग्रामिंग इट इज़ बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। क्योंकि मैट्रिक्स जो है
कंप्यूटर को एकदम इजी जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इट कैन रीड एट वेरी फास्टर रेट। तो जो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उसमें मैट्रिक्स का यूज़ होता है या फिर लीनियर अलजेब्रा का यूज़ होता है। सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, फॉर एग्जांपल सपोज आपको कोई एक मिरर करना है, एक लाइन की मिरर निकालनी है, या फिर सपोज एक लाइन है जो एक्सटेंड करनी है, एक्सपांड करनी है, तो यू कैन गिव इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स, सो दैट दैट प्रोग्रामिंग इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दैट सॉफ्टवेयर। ओके, देन सेकेंड मैट्रिक्स का यूज जो है इट इज़ इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ओके, सो दिस इज बेसिकली एडवांस टॉपिक। ओके, सो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस होता क्या है बेसिकली, जब भी अगर कोई भी आप डिज़ाइन करते हो और वो डिज़ाइन पे सपोज एक शाफ्ट ले लो, शाफ्ट की आपने 3D डिज़ाइन कर लिया यूजिंग एनी कैड सॉफ्टवेयर। ओके, अब वो शाफ्ट पे कौन से लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, ड्यू टू दैट लोड्स वॉट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जनरेशन, सो ऑल दिस थिंग यू कैन फाइंड आउट यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। सो बेसिकली जो भी आपका बड़ा डोमेन है उसको अगर आप फाइनाइट एलिमेंट में डिवाइड करते हो और ईच एलिमेंट का एनालिसिस करते हो, सो दैट प्रोसीजर इज वॉट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। सो इसके कोई सॉफ्टवेयर है, एनसिस एक सॉफ्टवेयर है, सो फॉर दिस एनालिसिस दैट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मैट्रिसेस आर यूज्ड। ओके, देन थर्ड इसका एप्लीकेशन है टू मॉडल द फिजिकल सिस्टम एंड टू परफॉर्म व्हाट, कंप्यूटेशनल एनालिसिस। आप CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, यहाँ पे भी क्या होता है, या फिर वाइब्रेशनल एनालिसिस है, मॉडल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, सो फॉर ऑल दिस थिंग्स मैट्रिसेस आर यूज्ड। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनटू रोज एंड कॉलम्स। सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मैट्रिक्स, हाउ मैट्रिक्स इज डिनोटेड, हाउ टू राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।